हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस का एक टॉपिक, दैट इज़ हीट, चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हीट? हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड आपको एक एनर्जी के बारे में मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ। That is, energy neither be created nor be destroyed. Energy को ना तो हम create कर सकते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं। अगर ना तो इसको create कर सकते हैं और ना destroy कर सकते हैं, then ये energy हमें हमारे में आती कहाँ से है, हमें मिलती कैसे है? So students, energy के बारे में ये एक fact और है कि energy एक form से दूसरी form में change हो सकती है। वो कैसे? चलिए इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारे किचन में जो गैस सिलेंडर हमें मिलता है, जो उसमें जो गैस है, दैट इज़ अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जब इस केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को बर्न करते हैं, इट चेंजेस इनटू हीट। दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक टॉपिक है, दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड। ये हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में कि हमें ये कैसे पता लगता है कि कोई कौन सी चीज़ है वो हॉट हो सकती है या कौन सी कोल्ड हो सकती है। सो हॉटनेस, अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम हीट को ऐड करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हॉटर हो जाती है। एंड अगर किसी भी सब्सटेंस में से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर हीट को हम निकाल लेते हैं, देन इट बिकम्स कूलर। ओके, सो मैंने आपको दो बातें बताई हैं। वन इज, किसी चीज़ में, किसी सब्सटेंस में हीट को ऐड करते हैं तो दैट थिंग बिकम हॉटर, एंड इफ वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस, देन इट बिकम्स कूलर। अब ये हीट ऐड कैसे होती है और हीट एक्सट्रैक्ट कैसे होती है? वेरी सिंपल, हमने गैस पे कोई भी बर्तन रखते हैं, हम उसमें पानी को बॉईल करने के लिए पानी डालते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, हम गैस को लाइट अप करते हैं। देन क्या होता है, हम उसमें हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ही तो दे रहे हैं हम गैस पे। तो जैसे जैसे हम गैस में बर्नर जो है हम लाइट अप करते हैं एंड हम हीट ऐड करते हैं, देन द वाटर इन द वेसल, जो हमने बर्तन गैस के ऊपर रखा हुआ है, वो क्या हो जाता है, वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। सो इन दिस सेंस वी आर एडिंग हीट। अब हीट को एक्सट्रैक्ट करने का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हीट को एक्सट्रैक्ट करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है, दैट इज अज्यूम दैट वी हैव अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क। हमारे पास एक हॉट मिल्क का ग्लास है, तो वो हॉट मिल्क को अगर हमें ठंडा करना होता है, तो हम एक नॉर्मल जो घरों में एक टेक्निक यूज़ करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम एक थोड़ा सा बड़ा वेसल लेते हैं, उसमें कोल्ड वाटर डाल लेते हैं, एंड वी कीप दैट ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ग्लास ऑफ हॉट मिल्क जो है वो हम उसके अंदर रख देते हैं, उस कोल्ड वाटर के अंदर रख देते हैं। आफ्टर 1 or 2 minutes, व्हाट वी रियलाइज, देन द हॉट मिल्क गेट कूलर, बट द कोल्ड वाटर इन विच वी कैप्ट दैट ग्लास, वो जो कोल्ड वाटर था वो गर्म हो जाता है। सो इन दिस सेंस वी एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द हॉट वाटर, हॉट मिल्क। ओके, वी एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द हॉट मिल्क ग्लास। ओके, सो दिस इज वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट। तो किसी भी सब्सटेंस में जब अगर हम हीट को ऐड कर देंगे, देन इट मींस हम उसको हॉटर बना रहे हैं, और अगर किसी सब्सटेंस में से हीट को निकाल देते हैं, देन इट मींस दैट सब्सटेंस बिकम कूलर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर। सो किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, आपकी बुक में एक एक्टिविटी 4.1 है, उसमें ये बताया है कि हम वी हैव 3 vessels, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड है, एक में नॉर्मल है। अगर हम अपना एक हाथ कोल्ड वाटर के अंदर डाल के रखते हैं और एक जो नॉर्मल हॉट है जिसमें हम अपना हाथ रख सकते हैं, उस हॉट वाटर में डालते हैं, एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट्स हम अपने दोनों हाथ जो नॉर्मल वाटर थर्ड वेसल जो था उसमें डालते हैं, देन वी कांट रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन कि कौन सा हाथ जो था वो गर्म में था और कौन सा ठंडे में था। सो सेंस जो है वो पर्टिकुलरली हम फिक्स जो आंसर है वो नहीं कर सकते हैं, करेक्ट आंसर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हॉट था और कौन सा कितना कूल था।
So for that we need a term, and that term is temperature. So temperature is a measure of hotness or coldness. इस चीज को याद रखिएगा. Next measuring temperature, जो इससे next topic आता है. So temperature measurement के लिए जो devices use होते हैं, हम यहाँ पे आपकी book में two types of devices का explanation है. One is clinical thermometer and other is laboratory thermometer. That is I had drawn here. That is clinical thermometer on my left side. That is laboratory thermometer. हो सकता है ये आपको top और bottom इसका इसमें video में नहीं दिख रहा हो, आपकी book में एकदम corner में center corner जो है उस पर बना हुआ ये diagram है, एक side में आप उसमें इसको easily देख सकते हो. So first of all I am going to explain that clinical thermometer. This is made up of a glass tube. एक thin glass tube होती है ये. इसके bottom part को हम कहते हैं bulb. ये जो मैंने yellow color किया हुआ है that is a bulb. ठीक है. एंड इस पूरी ग्लास ट्यूब के ऊपर जो इसके अंदर मेजरमेंट के लिए जो रीडिंग्स हैं ये कैलिब्रेटेड होती हैं. कैलिब्रेटेड मीन इसके ऊपर पे लिखी होती हैं ये. ठीक है. अब एक और चीज़, इसमें जो मेजरमेंट के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, स्केल से यहाँ पे मीनिंग है अगर हम किसी की हाइट मेज़र कर रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर में या मीटर में या मिलीमीटर में या फुट्स में हम मेज़र करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ हो रहा है उसकी बात है. तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो ट्रेंड में है, टू टाइप्स ऑफ स्केल ट्रेंड में है. वन इज़ डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज़ डिग्री फारेनहाइट. इन इंडिया डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा यूज होता है. ओके. अगर क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, इसके अंदर जो हम मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस में दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैक्सिमम हम इसके अंदर रीडिंग ले सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. सो दिस लोअर रेंज एंड दिस इज़ द अपर, दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट. दिस इज़ कॉल्ड रेंज. किसी भी चीज़ की रेंज क्या होती है कि उसकी मिनिमम जो उससे हम रीड कर सकते हैं और जो मैक्सिमम वो उसकी रेंज होती है. देन इट इज़ रेंज इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली फारेनहाइट में भी हम रेंज देख लेते हैं. फारेनहाइट में जो रेंज है वो है 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 फारेनहाइट. ओके. सो दिस इज द रेंज इन फारेनहाइट. एक और चीज़, इस ग्लास ट्यूब में जो रीडिंग को रीड करने के लिए हमारे पास कोई अंदर मार्क होना चाहिए. सो वो मार्क हमें कैसे पता लगता है, इसमें मरकरी फिल किया हुआ रहता है. मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं. दैट मरकरी, जो मरकरी है वो यहाँ पर जब बॉटम में इसमें रहता है तो जैसे ही ये जो ग्लास, ये जो बल्ब है ये क्या करता है, ये हीट को, एक्सटर्नल हीट को उस मरकरी को ट्रांसफ़र करता है. एंड ड्यू टू गेटिंग हीट मरकरी जो है वो इसमें एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, इसमें ट्रैवल करना स्टार्ट करता है. एंड जहाँ तक इसको टेम्परेचर मिलता रहता है वो मरकरी जो है वो एक किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे आके रुक जाता है. एंड हम उस मरकरी लेवल के पैरेलल में जो रीडिंग होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है. इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ये जो बल्ब पार्ट है इसको पेशेंट की, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसको पेशेंट की टंग के नीचे या फिर अंडर आर्म वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है. वहाँ पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इस बल्ब को ट्रांसफ़र होता है, एंड थ्रू दिस बल्ब वो ट्रांसफ़र हो जाता है मरकरी को. एंड मरकरी राइजेज अप, मरकरी जो है वो ऊपर की साइड में राइज करना स्टार्ट करता है. एंड जहाँ तक वो राइज करता है उसके पैरेलल में जो रीडिंग होती है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है. ओके. आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक टॉपिक है प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस बिफोर टेकिंग रीडिंग्स. जो ये रीडिंग हम इससे लेते हैं उससे पहले जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसको यूज़ करना है बिफोर यूज़ फॉर अनदर पेशेंट इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है. देन आफ्टर इसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो इसमें मरकरी का लेवल है वो अगर हमने जो प्रीवियस रीडिंग ली है कहीं वहीं पर तो नहीं रुका हुआ. सो इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा झटक देते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा झटक देते हैं, उससे मरकरी का लेवल वापस नीचे आ जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग साइट, ये
फुल लाइंस जो हैं आप अपनी बुक से रीड कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको यहाँ बता देता हूँ। साइड से मीनिंग है यहाँ पर कि वाइल टेकिंग रीडिंग, ये जो थर्मामीटर है ये हमारे आई साइट के पैरेलल होना चाहिए, तभी हमें इसके अंदर की जो सही रीडिंग है वो एक्यूरेसी जो है रीडिंग की वो हमें मिल जाएगी। एंड देन आफ्टर ये तो साइड रीडिंग हो गया। हैंडल, इसको ये बिकॉज ये ग्लास का बना हुआ है तो इसकी हैंडलिंग बहुत ही सेफ तरीके से करनी चाहिए, इसको ऐसे कहीं भी हम थ्रो नहीं कर सकते हैं, इसको उठाना या रखना विदाउट एनी जर्क ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ आर क्लिनिकल थर्मामीटर। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे जो हमने ये रीड किया है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, इन दोनों में एक रिलेशन, अगर मैथमेटिकल रिलेशन कोई अगर समझना चाहे तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ सी अपॉन फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बच्चे साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर और भी कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्लास सेवन्थ लेवल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस पर बेस्ड नहीं होते हैं। दिस इज़ द एक्स्ट्रा फॉर क्लास सेवन्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है दैट इज़ यूज टू चेंज एनी वैल्यू विच इज़ इन डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू फारेनहाइट में दी है और उसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में है जो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर इसे मुझे फारेनहाइट में चेंज करना हो तो मैं कैसे चेंज करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला था सी अपॉन फाइव, मुझे सी की वैल्यू गिवन है 100, आई हैड पुट दैट वैल्यू 100 अपॉन फाइव। ओके, यहाँ इक्वल में एफ माइनस 32, एफ है फारेनहाइट में जो वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी है, एंड दिस इज 9 जो है देखिए राइट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो जब मैं इसको अपोजिट साइड में लेके आऊँगा, ये कुछ अल्जैब्रिक मैथ्स जो होता है उसके यूज़ होते हैं, अल्जैब्रा के रूल्स होते हैं कि अगर कोई भी डिजिट उसको अगर हम इक्वल साइन से अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, अगर RHS टू LHS या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इफ़ एनीथिंग एनी डिजिट, जैसे ये 9 का अगर एग्जांपल लूँ, 9 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको अगर इक्वल से दूसरी साइड में लेकर आऊँगा तो ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। ओके, सो 100 अपॉन 5 इंटू 9 इक्वल टू एफ माइनस 32। अब देखिए 9 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इट बिकम्स 900 अपॉन 5। ओके, 32 इधर माइनस का था, अगेन वही जो हम मैंने आपको ऊपर एक रूल बताया कि इस RHS से अगर मैं LHS साइड में लेकर आऊँगा कोई भी डिजिट तो ये इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस 32 था, इधर आया तो प्लस का 32 हो गया, इट बिकम्स प्लस 32। एंड जब मैं इस एंटायर इक्वेशन को सॉल्व करूँगा आई गॉट द आंसर 212 डिग्री फारेनहाइट। सो अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो ही टेम्परेचर फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होगा। ऐसे ही चलते हैं अब आगे, हम एक हमारे पास है लेबोरेटरी थर्मामीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर? द बेसिक डिफरेंस इज देयर रेंज ऑफ मेजर टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर। जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज हमने स्टडी किया था डिग्री सेल्सियस में, दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर दैट इज फ्रॉम माइनस 10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर से जो मेजरमेंट करने का जो मेथड है वो भी आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस किसी लिक्विड का हमें टेम्परेचर हमें मेज़र करना है उसको एक वेसल में लेते हैं एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसके अंदर स्टीयर करते हैं, रोटेट करते हैं उसके अंदर, एंड देन आफ्टर उसको कुछ देर तक उसी में रखते हैं जब तक कि प्रॉपर तरीके से उसमें हमें टेम्परेचर विजिबल नहीं हो जाता। सो और इसमें भी आपको कुछ प्रिकॉशंस भी मिलेंगी रीडिंग के लिए, ठीक है, वो भी हमें रीड करनी है, दोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज़ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, वी विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस चैप्टर इन पार्ट टू। ओके, इसके बाद पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड जो चैप्टर में जो 2-3 पेजेस का जो रिटन मटेरियल है उसको भी रीड कीजिए, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं यू कैन
कॉल मी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.